नंबर 786 को मुस्लिम धर्म में एक पवित्र संख्या माना जाता है, जो उनके जीवन में समृद्धि और खुशियां लाती है। लेकिन 786 नंबर ही क्यों चुना गया? मुसलमान अफजल संख्या नामक एक नंबर पद्धति का उपयोग करते हैं, जहां अरबी भाषा के हर 28 अक्षरों को एक विभिन्न नंबर दिया जाता है। अफजल संख्या सारणी कुछ इस तरह दिखती है। कुरान की पवित्र पुस्तक शुरू होती है इन शब्दों से, बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। इसका मतलब है अल्लाह के नाम पे, जो सबसे दयालु और सबसे बड़ा मददगार है। ये शब्द अफजल संख्या सारणी के अनुसार जुड़कर 786 नंबर बनते हैं और यही दर्शाता है इस संख्या का महत्व। नंबर 786 लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 786 उन जगहों पर लिखा जाता है जिन जगहों पर पवित्र कुरान के शब्द लिखना उपयुक्त ना हो। इस संख्या पैगंबर मोहम्मद के समय के दौरान नहीं चलती थी और मुख्य रूप से अब एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में ही प्रयोग की जाती है, जहां नंबर 786 को बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है। यहां तक लोग 786 नंबर के नोट इकट्ठा करते हैं। अल्लाह के आशीर्वाद पाने के लिए अधिकांश मुस्लिम अपने मकानों और अपनी दुकानों पर 786 नंबर लिखते हैं, ताकि उनकी दुकान और उनका घर भाग्यशाली बना रहे। ऐसी ही नई नई और रोमांचक चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।